नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी ललिता की जुबानी में। हमारी आज की कहानी सुहागन की बिंदी। बाहर फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर। बिंदिया, कांच की चूड़ियाँ, रबड़ बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच के और भी बहुत सारे सामान थे। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थी। काफ़ी देर तक बाबा गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे थे। जैसे ही औरतों की भीड़ छटी, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और उसका सामान देखने लगे। शायद वे कुछ ढूंढ रहे थे कि तभी सिर ऊंचा करके देखते कभी नीचा, तो देखना जो चाह रहे थे वह दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाला ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था क्या बाबा आपको? पर बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के चक्कर लगाने लगे, कहीं तो दिख जाए वो जो वो देखना चाह रहे थे। फेरी वाले ने दोबारा फिर पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या आपको? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए बताओ मुझे, मैं ढूंढ देता हूँ। मुझे ना वो बिंदिया चाहिए थी। बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया, किस तरह की बिंदिया चाहिए? बड़ी बड़ी गोल गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर, ये देखो बाबा, ये वाली। अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी चाहिए। फेरी वाले ने वो पैकेट रख लिए और दूसरे पैकेट निकाल कर दिखाया, बाबा ये वाली। अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या, बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने फिर सारे पैकेट निकाले और फेरी के एक तरफ फैला कर रख दिए, आप खुद ही देख लो बाबा कौन सी बिंदिया चाहिए आपको। बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदिया के पैकेट को इधर उधर किया और फिर उसमें से एक पैकेट निकाला, हाँ हाँ ये लाल वाली बिंदी ही चाहिए। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो महनूर रंग की बिंदी उठाई थी, कितने की है? 10 रुपए की है बाबा। अच्छा, कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया, उनको लगा इतनी महंगी बिंदी। फिर बोले, ठीक है अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलट कर जाने लगे, तब तक घर में बहू से आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर बोले, बाबा बोले, अरे बहू जरा 10 रुपए तो देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्चा कर दिया आप लोगों ने, बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया ख़त्म हो गई थी, कई बार बोल चुकी थी। बाबा ने धीरे से कहा, बस बस आप लोगों को और कोई काम तो है नहीं, बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी है अम्मा, क्या अभी भी बिंदिया लगाएगी? इस उम्र में न जाने क्या क्या शौक रखती है ये अम्मा। देख बेटा, बात शौक की नहीं है, अम्मा अभी भी सुहागन है इसलिए उसका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपए ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूंगा। कहाँ से दे दोगे जो पैसे देंगे, वे भी मेरे पति की ही कमाई है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। अम्मा ने खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलट कर बिंदी फेरी में वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। माँ माफ़ कर देना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी, काहे दिल पर लेकर बैठ जाते हो। बिंदी ही तो थी, हाँ हाँ बिंदी ही थी, कौन सी 1000 रुपए की आ रही थी, बाबा ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। बिंदी ही तो लगानी थी। अरे बिंदी ही लगानी है ना जी, एक काम करो, पूजा घर में हिंगलू ले आ दूँ, उसी से लगा लो।
पर आज अपने हाथों से बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास पहुँचे। लो पार्वती, उठो, मैं तुम्हारे बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा में कोई हलचल नहीं दिखी। बाबा ने दोबारा फिर कहा, पार्वती, ओ पार्वती, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की। ले देख, मैं हिगलू ले आया हूँ, अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा, पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल स्थिर पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हलचल नहीं थी। बाबा का दिल बैठ गया, हाथ में हिगलू लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। बाबा से झर झर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल न फूटा। अम्मा जा चुकी थी हमेशा के लिए। थोड़ी देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए, बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। अम्मा को नहला धुला कर सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लेटा कर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए। उन्होंने अम्मा के माथे से बिंदी हटा दी। बाबा ने ये कहकर कह रहे थे, अम्मा सुहागन थी न, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटे ने कहा, बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूँ। सुनकर सब लोग आवुक रह गए, बहू शर्मशार हो गई। सबने देखा कि बाबा ने हाथ में लाए हिंगलू ने एक बड़ी सी लाल बिंदी अम्मा के माथे पे लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बहू की चिंकार छूट गई। बाबा भी अम्मा के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। इस कहानी से दोस्तों हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये एक भावनात्मक हृदय स्पर्श कहानी हमें बहुत कुछ संदेश दे रही है। हमें अपने समाज में सिर्फ 2 या 4% बुजुर्गों की स्थिति परिवार में सम्मानजनक है। कहीं इसका मूल कारण संयुक्त परिवार का एकल परिवार में रूप धारण करना, नाते रिश्ते समाप्ति, धन लिप्सा की अंधी दौड़ एवं लड़कियों का पढ़ा लिखा कर सबके अधिक जानकारी व बुद्धि होने का झूठा अभिमान, किताबी ज्ञान का होना परंतु व्यवहारिक ज्ञान की कमी होना तो नहीं है। कृपया आप सभी से एक छोटा सा मेरा प्रयास ये है कि आप अपने बुजुर्गों का उचित सम्मान दें। सभी को एक दिन बूढ़ा होना है। माता पिता के न रहने पर ही उनका महत्व मालूम पड़ता है, इसलिए पश्चिमी देशों का अनुसरण न करें, हम अपनी भारतीय संस्कृति का अनुसरण करें। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।